1 मई 2023 से नए नियम। आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से लेकर बैंक खाता वालों के लिए एटीएम, जीएसटी समेत कई सारे नियमों में बदलाव लागू होने जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में या तो बढ़ोतरी होती है या घटोती होती है। इस बार क्या दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, आगे जानेंगे अपडेट। फिलहाल नए नियमों पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा। अब आपको आरटीओ में आधार लिंक मोबाइल नंबर ही दर्ज कराना अनिवार्य होगा। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यहाँ तक कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में पहले से जो मोबाइल नंबर दर्ज है ना, वो भी अगर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो आप parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर के अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें जो आपके आधार से लिंक है। मई से ये नया नियम लागू हो जाएगा ना। वही देखिए, मेट्रो ट्रेनों को लेकर नया नियम। 1 मई से मेट्रो का सफर सस्ता होगा, किराए में 25% तक की छूट मिलेगी। मुंबई मेट्रो के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। अब मुंबई मेट्रो में सीनियर सिटीजन, इसके अलावा दिव्यांग लोगों को और छात्र छात्राओं को मेट्रो किराए में 25% तक की छूट मिलेगी। 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को और 65 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। और वहीं 1 मई से मालदीव दौरे पर जाएंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय देश को गश्ती नौका और एक लैंडिंग क्राफ्ट भी सौंपेंगे। अच्छा भाई, दिल्ली का ये फ्लाईओवर 1 मई से बंद रहेगा, कई सारे रूट भी डाइवर्ट रहेंगे, इसके चलते देख सकते हैं जानकारी आप। और झारखंड के इन 19 जिलों में 1 मई से ये कंपनी बेचेगी शराब, जिसकी नाम भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पुष्कर में पंचतीर्थ स्नान का आगाज 1 मई से होने जा रहा, शास्त्रों में इसका खास महत्व बताया गया। अच्छा, मोबाइल सिम कार्ड को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। इनकमिंग कॉल और एसएमएस में कुछ बदलाव होंगे। दरअसल 1 मई से अब आपको स्पैम कॉल्स तंग नहीं करेंगे, यानी कि फर्जी कॉल से स्पैम कॉल से आप परेशान नहीं होंगे। धोखाधड़ी करने वाले एसएमएस पर भी ट्राई की नजर रखी जाएगी। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। अब 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर का इस्तेमाल प्रमोशनल कॉल्स और एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए नहीं किया जाएगा। इसको लेकर ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिया। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वीआई, रिलायंस जियो, बीएसएनएल वगैरह सभी कंपनियों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर सिस्टम की मदद ली जाएगी। ये फिल्टर नॉर्मल 10 डिजिट वाले नंबर से आने वाले प्रमोशनल कॉल्स को रोक देगा। और अब जो प्रमोशनल एक्टिविटीज के कॉल्स होंगे ना, वो 12 अंक के मोबाइल नंबर से आएंगे। अच्छा भाई देखिए, 1 मई से शिरडी शहर बेमियाद बंद रहेगा। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर भी बंद रहेगा। सिंधे सरकार ने साईं मंदिर की सुरक्षा में CISF भी लगा दिया, इससे मंदिर प्रशासन नाराज नजर आए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर 1 मई से अनिश्चितकालीन धरना देगी भाजपा। राजमहल घोटालों के विरोध में बीजेपी ये धरना देने जा रही है। वैसे मध्य प्रदेश में भी 1 मई से गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाएगी और एमपी में डॉक्टर्स भी हड़ताल करने जा रहे हैं। प्रदेश के हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका असर पड़ेगा। 8 मई से तो एमपी के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 1 मई को सामूहिक अवकाश से इसकी शुरुआत करेंगे और 3 मई से अस्पतालों में इलाज भी नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है, यहाँ तक कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। एमपी सरकार से कई सारी मांगे हैं इन डॉक्टरों की, जो पूरी नहीं हो पा रही है और इसी के चलते ये मई महीने में हड़ताल करेंगे। वैसे दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात हो रही तो आपको बता दूं, एमपी के रतलाम में 1 मई से यातायात व्यवस्था बदलेगी। शहर में हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट वाहन चालकों को समझाइश दे रही यातायात पुलिस, 1 मई के बाद चालान काटा जाएगा। और 3 मई से सोलर सिटी बन जाएगी मध्य प्रदेश की सांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन कर सकते हैं। सांची के पास नागौरी में 5 मेगावाट के सब स्टेशन सोलर पैनल का काम अंतिम चरण में चल रहा और मई में शुरू हो जाएगा ये। और एमपी इंदौर के 7 CM राइड स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए समर कैंप भी 1 मई से शुरू होंगे ना। अच्छा, रेलवे से अपडेट है दोस्तों। 1 मई से 11 मई तक रेलवे ने कई सारी महत्वपूर्ण ट्रेनों को निरस्त कर दिया, तो आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें। हालांकि मई महीने से इंडियन रेलवे कई सारी ट्रेनों में एसी कोच बढ़ाएगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा ना, तो एसी कोच की संख्या ज्यादा होगी। झारखंड में भी 1 मई से समर स्पेशल ट्रेनें चलेगी और रेलवे ने राजस्थान के यात्रियों को भी बड़ी राहत दी है। मई जून में राजस्थान की 34 ट्रेनों में अस्थायी डिब्बों की बढ़ोतरी भी की गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। BCCL यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, जो कोयला कंपनी है, उनके 6 एरिया में बायोमेट्रिक हाजिरी 1 मई से अनिवार्य होगी। हालांकि इस फैसले के बाद कर्मचारियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। किन किन एरियाज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होगी, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, 1 मई से झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कार पार्किंग महंगी होगी। 8 मिनट तक निःशुल्क पार्क कर पाएंगे, उसके बाद नई दरें लागू होगी। बड़ी खबर देखिए, देश भर में 1 मई से इलेक्ट्रिक वाहनों को मुफ्त में मिलेंगे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। बैटरी, मेथेनॉल और एथेनॉल से चलने वाले वाहनों पर कोई भी परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये सबसे बड़ी घोषणा की गई है। मई महीने से ही बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑल इंडिया परमिट के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा और इससे देश में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग न्यूज से बड़ा अपडेट है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा। 1 मई से ही इस तरह के ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा, यानी कि आप एटीएम से पैसा निकालने से पहले आप अपने खाते का बैलेंस जरूर चेक कर लें। अगर आप अपने पंजाब नेशनल बैंक खाते के एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हो और आपके खाते में बैलेंस कम है, तो वो जो इनसिग्निफिकेंट बैलेंस की एरर आती है ना, उस एरर के साथ ही अब आपको हर बार ₹10+ GST ट्रांजेक्शन शुल्क देना पड़ेगा अगर आपके खाते में बैलेंस पर्याप्त नहीं रहा तो। इसको लेकर देख सकते हैं, PNB की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। और वैसे SBI कार्ड यूजर्स के लिए भी बड़ा अपडेट ही आ रहा है। 1 मई से कई बड़े बदलाव होंगे। दरअसल SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड
कार्ड में डीवैल्यूएशन वगैरह को लेकर लाउंज एक्सेस के फायदे में कटौती करने जा रहा है SBI। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। और साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में 1 मई से कई सारी समर स्पेशल ट्रेनें एक साथ भी शुरू करेगा इंडियन रेलवे, इसको लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महाराष्ट्र में भी 1 मई से मुंबई पुणे रूट पर 15 नई इलेक्ट्रिक बसें चलने शुरू हो जाएगी। और GST को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है, कारोबारी ध्यान दें, 7 दिन में अब आपको अपलोड करना होगा इनवॉइस। दरअसल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार करने वाले व्यापारियों को 7 दिन में ई चालान अपलोड करना होगा। GST पोर्टल पर सरकार की तरफ से ये भी नया नियम लागू कर दिया। और स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए भी अपडेट है, 1 मई से शेयर बाजार में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हो तो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये नियम है इक्विटी और म्यूचुअल फंड को लेकर। जो आपका म्यूचुअल फंड का डिजिटल वॉलेट है ना, उसमें RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग KYC करना अनिवार्य है। 1 मई तक आप जरूर KYC कर लें ताकि आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, अदरवाइज आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, काफी सारी चीजें महंगी सस्ती भी होने जा रही। देखिए आप, टाटा मोटर्स कंपनी ने बड़ा झटका दिया। 1 मई से टाटा की कारें खरीदना महंगा होगा। लगभग सभी तरह के मॉडल्स पर रेटें बढ़ जाएगी। फिर चाहे टाटा नेक्सोन हो, पंच हो, टियागो हो, सभी तरह की कारों पर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ जाएगी। ऑडी कंपनी भी अपने कई सारे पॉपुलर मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर देगा 1 मई से। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, 1 मई से 15 सितंबर तक MCD इलाकों में सड़क खुदाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। G20 की बैठकों के चलते ये फैसला लिया गया। और नागालैंड राज्य के सभी स्कूलों को 1 मई तक तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा। नागालैंड सरकार की यह नई पहल है। स्कूलों के आसपास परिसर में स्कूल परिसर में तंबाकू का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही बेची जा सकेगी। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 1 मई से पेंशन की राशि बढ़ने जा रही है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को 500 से 750 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलती है ना, उनको अब मई से ही 1,000 रुपए हर महीना पेंशन मिलेगी, जिसका फायदा उनको 1 जून को होगा। यानी कि जून वाली पेंशन आएगी वो बढ़कर आएगी। फिर चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, या एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन वगैरह, सभी में ये बढ़ोतरी हो जाएगी। पंजाब राज्य में नया नियम है, ईंट भट्टों में कोयले की जगह पराली का इस्तेमाल होगा। 1 मई से लागू होगा नया नियम। झारखंड के जमशेदपुर में घाटशिला रेलवे स्टेशन पर 1 मई से पार्किंग शुल्क बदलेगा। यात्रियों की जेब ढीली होगी क्योंकि पार्किंग शुल्क महंगा होने जा रहा। और वही देखिए, PM किसान सम्मान निधि योजना का जिन किसानों को अभी भी फायदा नहीं मिल रहा, उनके लिए 1 मई से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है UP सरकार। और इस अभियान को 1 से 30 मई तक चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत जिला अधिकारी और कर्मचारी हर एक किसान भाइयों तक पहुंचेंगे जो कि इस स्कीम से अभी तक भी वंचित हैं, और उन किसान भाइयों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के लाभार्थी किसानों का सत्यापन मई से शुरू होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले कि अधिकारी करेंगे जिलों का दौरा। मध्य प्रदेश के इंदौर से अब राजकोट और सूरत के लिए नई उड़ान सेवा शुरू होगी, 1 मई से यात्रा कर पाएंगे। अमेजोन कंपनी नया नियम लागू करने जा रही, सप्ताह में 3 दिन घर से काम कर सकेंगे अमेजोन के कर्मचारी, 1 मई से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में अब अंत्योष्टि के लिए यानी अंतिम संस्कार के लिए आपको लकड़ी, गैस वगैरह के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, गोरखपुर नगर निगम ही इंतजाम करेगा। मध्य प्रदेश में इंदौर में देखिए, भू माफियाओं को सख्त चेतावनी, 1 मई को कोर्ट में हाजिर हो वरना जेल जाने को तैयार रहें। MP भोपाल एयरपोर्ट पर भी एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है, 1 मई के बाद नाइट पार्किंग शुरू होगी। मई में लखनऊ, कोलकाता, पुणे फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। और 1 मई से मध्य प्रदेश की 5,642 अवैध कॉलोनियों को भी वैध कर दिया जाएगा। इसमें कई सारी छूट वगैरह भी मिलेगी। विकास शुल्क में निम्न आय वर्ग के लोगों को 80% तक की छूट भी मिलेगी। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के नए CEO बनेंगे निरंजन गुप्ता, 1 मई से कार्यभार संभालेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। 1 मई से दूध की खरीद पर 1 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है। प्रति लीटर 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा किसान भाई लोगों को अपनी दूध बिक्री पर। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, झारखंड में देखिए, कोयला खान भविष्य निधि संगठन 1 मई से पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा। ई ऑफिस शुरू होगा, कागजों का काम नहीं रहेगा, सारा काम डिजिटल होगा। अच्छा, राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को 1 मई से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, इस योजना के तहत रजिस्टर्ड लोगों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 10 लाख रुपए तक का सालाना हॉस्पिटल का इलाज मुफ्त देती है। और अगर आपने 30 अप्रैल तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर 1 अगस्त के बाद आपको इसका फायदा मिलेगा। वही देखिए, हरियाणा रोहतक में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम की चेतावनी, 1 मई तक जमा कराएं, उसके बाद संपत्ति सील करने की कार्यवाही होगी। और देखिए, छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होंगे 4 नए कुटुंब न्यायालय, नए जजों के पद स्वीकृत हो गए हैं। और SSC GDPET एग्जाम का फिजिकल टेस्ट भी 1 मई से शुरू होगा। CRPF ने इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया। और हाँ, अंत में बात करें दोस्तों LPG रसोई गैस सिलेंडर के रेटों की, तो हर महीने की 1 तारीख को या तो रेटें बढ़ती हैं या तो कम होती हैं। और इस बार क्या होगा, ये अपडेट 1 तारीख को सुबह 10-11 बजे तक आ जाएगा। तो मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि आज से क्या क्या सस्ता होने जा रहा, क्या क्या महंगा होने जा रहा है ना, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पर्सनली मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते, कमेंट करके बताइएगा मुझे आपके राज्य का नाम, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,